हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अगर आप माणिक सरदार की तैयारी कर रहे हैं, ओवरमैन की तैयारी कर रहे हैं, या गेस्ट टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, इससे रिलेटेड जो एकेडमिक वीडियो है वो हमारी चैनल पे रेगुलर आती रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया है या फिर फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जितनी भी वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होते हैं वो डालता रहता हूँ। साथ ही साथ उसमें और भी माइनिंग से रिलेटेड अपडेट डालता हूँ, और अब मैं रेगुलर उसमें नोट्स भी डाल रहा हूँ माइनिंग से रिलेटेड। और अगर आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन में हैंडल आ रहा होगा। और अगर आप कुल इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने एक ईबुक बनाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो चाहे ओवरमैन का एग्जाम हो, चाहे माइनिंग सरदार का एग्जाम हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे बीटेक वाले, इनको जानना जरूरी है, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जियोलॉजी यानी भूविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉक टाइप्स के बारे में, रॉक यानी चट्टान टाइप्स के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के चट्टान यानी रॉक होते हैं। पहले होते हैं इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान, दूसरे होते हैं सेडामेंट्री रॉक यानी जलज चट्टान, जिसको परतदार चट्टान भी बोला जाता है, और तीसरे होते हैं रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, जो सबसे पहला है वो है इग्नियस रॉक यानी अग्नेय चट्टान। तो आखिर अग्नेय चट्टान कैसे बनता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ज्वालामुखी हुआ करता था पृथ्वी के अंदर में, जिसको हम लोग वोल्केनो भी बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर एक्चुअली वो मैग्मा होता था, यानी मैग्मा जब धरती से बाहर निकलता था तो उसको हम लोग लावा बोलते थे। तो वही लावा जब अर्थ का सरफेस पे आने लगा तो अर्थ सरफेस में आने के बाद वो अचानक से ठंडा हो जाता था, कंसोलिडेटेड मास में फॉर्म हो जाता था तुरंत। मतलब जब वो लावा मैग्मा का फॉर्म में होता था, यानी कि गर्म पिघला हुआ लावा मैग्मा के फॉर्म में जब होता था धरती पे आने के बाद उसको लावा कहा जाने लगा। तो सरफेस पे जब आता था, क्योंकि धरती के अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है जिसके कारण उसको ठंडा होने में टाइम लगता था, वहीं जब धरती के बाहर सरफेस पे आता है, सरफेस पे आने के बाद टेम्परेचर चूँकि बहुत ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लावा, लावा का अगर आप टेम्परेचर देखेंगे तो ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ही टेम्परेचर होगा, लेकिन एटमोसफेयर में चूँकि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होता है, तो इसके कारण बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो लावा और जो है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है और जम जाता है, यानी कंसोलिडेटेड मास के रूप में डिपॉजिट हो जाता है अर्थ सरफेस पे, अर्थ का जो सरफेस होता है ऐसे करके इसके ऊपर में जहाँ से भी मैग्मा निकलती है उस जगह पे वो सरफेस में जमा हो जाता है, एक सरफेस का रूप में फॉर्म कर लेता है, एक कंसोलिडेटेड मास में चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। तो इसका उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे, यानी एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो ग्रेनाइट है, डोलेराइट है, ये सब जो चट्टाने हैं, ये सब जो रॉक्स है, इसको हम लोग इग्नियस रॉक का कैटेगरी में रखते हैं। आपको बता दें कि डाइक और सील ये दो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, ये दोनों भी इग्नियस रॉक ही होते हैं। डाइक और सील के बारे में आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे दे रहे हैं, बाकी कभी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। अगर ये आपका कोल सीम है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये आपका कोल सीम है तो कोल सीम को फाड़ते हुए अगर कोई ज्वालामुखी अगर पार होता है तो उस कंडीशन में इसे हम लोग डाइक कहते हैं, यानी अगर ये लेयर था कोयला का और इसको फाड़ते हुए कोई ज्वालामुखी वाला लेयर पार होता है, लावा पार होता है, बाद में ये ठंडा होकर एक सॉलिड मास में चेंज हो जाता है और ये इग्नियस रॉक फॉर्म कर लेता है। बेसिकली अगर ये हम लोग देखेंगे तो माइका पेरोडोटाइट या डोलेराइट, ये दो को चट्टान हम लोग बेसिकली मिलता है कोल में। तो कोल का जब सीम होता है तो कोल का सीम के आसपास में यहाँ पे इस जगह पे ये जो एरिया होता है, ये एरिया पूरा पूरी झामा में यानी कि राख में चेंज हो जाता है, क्योंकि लावा जब इस जगह से पास होता है तो पास होते होते कोयला को पूरी तरह से जला देता है। तो ये आपका डाइक हो गया। और अगर मैं सील की बात करूँ तो ये कोयला का जो सीम है, यही कोयला सीम के ऊपर में एक चादर का लूप रूप में ओढ़ लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइक, ऐसे करके लेयर का रूप में फॉर्म कर लेता है, तो इसको हम लोग डाइक सॉरी सील बोलते हैं। डाइक आपको फाड़ते हुए कोयला को निकल जाता है और सील जो है उसी के ऊपर में एक चादर का रूप में फॉर्म कर लेता है। इग्नियस रॉक का कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे है, एडेनसाइट है, बसाल्ट है, डोलेराइट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, ऑब्लिसिडियन है,
पिगमेटाइट है, पेलोडोलाइट है, प्यूमिको है, राइडलोटाइट है, स्क्यूरियो है, टफ है। इसमें अगर बेसिक अगर मैं बेसिक एग्जांपल की बात करूँ तो आप डोलेराइट पढ़ सकते हैं, बासाल्ट पढ़ सकते हैं, इसके बाद आप याद कर सकते हैं माइका पेरोडोटाइट याद कर सकते हैं। ये पेरोडोटाइट जो चट्टान आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइका का भी इसका सेम चट्टान होता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। अब जो सेकेंड है वो है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में ऐसा है कि सेडिमेंट यानी कि कण, यानी कि जो भी इग्नियस रॉक या कोई भी चट्टान होते हैं उनमें हवा पड़ता है या पानी का धार पड़ता है, तो उसमें से छोटा छोटा कण जो है वो वहाँ से उड़ के बाहर निकलता है, अलग जगह पे जाता है, तो वो हवा का धार उसको कहीं पे ले जाके जमा करता है, और उस जगह पे जमा होने के बाद वो धीरे 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 सीमेंटिंग मटेरियल भी उसमें मिलता है, और वो एक रॉक का फॉर्म में परत दर परत जब होते जाता है तो फिर वो रॉक का फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी चट्टान का फॉर्म में बदल जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सैंडस्टोन, सेल पत्थर, लाइम स्टोन और कोयला सीम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कोल सीम का बात करें तो कोल सीम एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन भी कोल सीम के साथ ही पाया जाता है, सेल पत्थर भी सैंडस्टोन के साथ ही पाया जाता है, लाइम स्टोन एक ऐसा पत्थर है जिसको हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री में ब्रॉड यूज़ है इसका, जिस भी जगह पर लाइम स्टोन का माइंस मिलता है उसके आसपास में सीमेंट इंडस्ट्री भी बना दिया जाता है। तो इसका एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल भी यहाँ कुछ फोटो दिया गया है, जैसे सेल हो गया आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो सैंड स्टोन है, चौक है जिसे हम लोग बोर्ड में लिखते हैं, आपका जो कोयला एंथ्रासाइट है वो भी इसी में आता है। इसके बाद अगर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक को रूपांतरित रूप हम लोग इसलिए बोलते हैं, नाम से ही पता चलता है, रूप पारांतरित, मतलब एक रूप था वो परिवर्तित हो चुका है, कोई और रॉक हुआ करता था, वो रॉक अभी मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो मतलब इसका ये हुआ कि इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, जब इन दोनों रॉक में दबाव पड़ता है तो उस दबाव के कारण, एक ताप और दबाव के कारण यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण, एक लंबे टाइम तक वो धीरे 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 मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक का खास क्वालिटी ये होता है कि ये पूरा प्लेन होता है, एकदम चिकना सतह इसका होता है, इसमें कोई सेडिमेंट इसका नहीं होता, ये दाना विहीन होता है, जैसे संगमरमर जो आप हम लोग घर में लगाते हैं, जैसे कि आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो पत्थर है संगमरमर पत्थर जिसको हम लोग अलग अलग मार्बल के रूप में लगाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन का आता है, तो ये बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक का बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट सूटेबल एग्जांपल हम लोग इसको कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारा है, स्लेट पत्थर जो होता है आपका, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, यानी कि जो आप मसाला पीसने वाला जो आपके घर में पत्थर होता है, वो स्लेट पत्थर भी बनाया जाता था पहले वाला, बट अभी वाला ऐसा नहीं है। मार्बल भी आप कह सकते हैं, जुडोलाइट है, इक्लोग्राइट है, जेनेसिस पत्थर जो है, ये सभी के सभी मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, यानी रूपांतरित चट्टान होते हैं। अब एक बार रॉक साइकिल के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कोई भी रॉक अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है। तो सबसे पहले होता है इग्नियस रॉक, यानी कि जो मैग्मा है, ये रहा आपका मैग्मा। मैग्मा जो है वो ठंडा होने के बाद, सरफेस पे आने के बाद, या सरफेस के अंदर भी बनता है, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंट्रूसिव रॉक हम लोग उसको बोलते हैं। बाहर पे जो बनता है उसको एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है, खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है। जब वो कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन होता है तो कंसोलिडेटेड मास में चेंज होने के बाद इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। उसके बाद यही रॉक का जब इरोजन होता है, वेदरिंग होता है, वेदरिंग मतलब केमिकल इफेक्ट एक तरह से हो गया, बहुत लंबा टाइम तक एक पत्थर में ठंडा पड़ता है, फिर गर्मी पड़ता है, तो उसके कारण उसके छोटे 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 कण टूट टूट के उस जगह पर गिर जाते हैं, फिर हवा के दबाव के कारण या इरोजन के कारण उस जगह से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरे जगह चला जाता है, सॉफ्ट सेडिमेंट में चेंज हो जाता है, फिर यही सॉफ्ट सेडिमेंट लगा लंबा टाइम तक किसी जगह पर जमता है, कॉम्पैक्ट होते जाता है, उसके ऊपर में लेयर जमते जाता है, सीमेंट होते जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक। देन यही सेडिमेंट्री रॉक में जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो या इग्नियस रॉक हो, दोनों में जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक कैसे चेंज हो सकता है एक दूसरे में, तो आपको बता दें मेटामॉर्फिक रॉक का भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर उस पर पड़ जाए, मेटामॉर्फिक रॉक में भी जब एक लंबा टाइम तक टेम्परेचर पड़ेगा तो वो मैग्मा में चेंज हो सकता है, और देन मैग्मा तो फिर आपको पता ही है इग्नियस रॉक में चेंज हो जाएगा। कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक सरफेस में भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जा सकता है, और इसका भी सेडिमेंट अगर उड़ के जमा हो देन ये भी सेडिमेंट्री रॉक में फॉर्मेशन कर सकता है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और जितने भी मेरे एकेडमिक वीडियो हैं वो देखा कीजिए, और उसके कमेंट सेक्शन में आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एकेडमिक वीडियो होते हैं उसके कमेंट में पढ़ता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।